कोरोना काल में नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए बहुत तरह की समस्याएं हैं। अब नौकरी पेशा शख्स के लिए बचत के तौर पर प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ की रकम सबसे अहम होती है। इस रकम के जरिए लोग अपने भविष्य के लिए फंड जुटा पाते हैं। इस फंड पर सरकार की ओर से हर साल ब्याज भी दिया जाता है। ये ब्याज पीएफ खाता धारकों को मिलता है, लेकिन इस बार फिर से कुछ नियम बदले हैं। बीते साल यानी कि 2019-20 के लिए पीएफ पर 8.50% के दर से ब्याज दिए जाएंगे। ये रकम इस बार दो किस्तों में दी जाएगी। प्रोविडेंट फंड पर 8.50% की तय दर में से फिलहाल 8.15% ब्याज ही ईपीएफ खाता धारकों को दिया जाएगा। बाकी के बचे 0.35% ब्याज का भुगतान इस साल दिसंबर तक अंशधारकों के ईपीएफ खातों में कर दिया जाएगा। बीते 7 सालों में ये ब्याज दर सबसे कम है। मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ ने 8.65% ब्याज दर का ऐलान किया था। वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफओ ने 8.55% की दर से ब्याज दिया था। 2016-17 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.65% था। 2015-16 में 8.80% की दर से ब्याज मिलता था। अब तक सरकार एक मुश्त में भुगतान करती रही, लेकिन इस बार नियम थोड़े बदले हैं। दरअसल ईपीएफओ ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में किए गए अपने कुछ निवेश को बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। ईपीएफ अंशधारकों को 8.5% की दर से ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिए यह निर्णय लिया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण बाजार में भारी उठापटक के चलते ऐसा ना हो सका। न्यूज़ तक ब्यूरो।